फाइनली दोस्तों इनफ्यूज ने अपना मेमोरी फ्यूजन फीचर लॉन्च कर दिया है, जिसे मेमोरी एक्सपेंड भी कह सकते हैं। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में 2 GB रैम है तो आप उसे 4 GB, 5 GB और 7 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब टोटल आपकी डिवाइस में 7 GB रैम हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में मेमोरी एक्सपेंड के बारे में जानेंगे और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्फिनिक्स ने ये अपडेट कौन कौन से डिवाइस को देगा और हम इस फीचर को अपने डिवाइस में कैसे यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देर से स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों बात करें इन्फिनिक्स नोट 11S की तो दोस्तों इन्फिनिक्स ने इस डिवाइस में अपडेट दे दिया है। चलिए बात करते हैं कि आप इस फीचर को अपने डिवाइस में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको चल जाना पड़ेगा अपने डिवाइस की सेटिंग्स में और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सिस्टम अपडेट में। सिस्टम अपडेट डालने के लिए अपने फ़ोन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और यहाँ नीचे सिस्टम पर क्लिक करें और उसके बाद सिस्टम अपडेट पर क्लिक करें और उसके बाद ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करें। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको एक अपडेट शो होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा जाएगा एडिड मेमोरी फ्यूजन 2.1। दोस्तों इसका अपडेटेड वर्जन है जो कि दोस्तों इस अपडेट में आपको मिलेगा, जिसका साइज 745 MB है। और उसके बाद दोस्तों आपको इसे अपडेट कर देना है। दोस्तों अपडेट करते टाइम आपको ध्यान रखना कि आपके फ़ोन की चार्जिंग 50% से अप होनी चाहिए। और दोस्तों थोड़ी देर में यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। A few moments later. दोस्तों यहाँ पर हो चुका है हमारा फ़ोन अपडेट और उसके बाद आपको चले जाना पड़ेगा स्पेशल फंक्शन पर और उसके बाद आपको चले जाना मेमोरी फ्यूजन पर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मेमोरी फ्यूजन की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप 2 GB, 3 GB और 5 GB तक अपनी मैम को एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि दोस्तों बहुत सही बात है। इससे आप दोस्तों आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों फिलहाल इन्फिनिक्स ने इस फीचर को इन्फिनिक्स नोट 11 के डिवाइस में लॉन्च किया है, अभी तक किसी और डिवाइस में ये फीचर नहीं आए हुए हैं। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।